हम बनाएंगे आज जलपाई अचार। यहाँ पे 1 किलो 1 किलो 2 किलो हमने जलपाई ले लिया है। अब इसको हम वॉश कर लेंगे। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे। थोड़ा नमक दे दिया है इस पर। अब इसको हम बॉईल होने देंगे अच्छे से। जलफाई बॉईल हो गया है, अब इसको निकालेंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे। अभी नमक हल्दी मिक्स कर दिया है। कल इसको धूप में सुखा देंगे, उसके बाद दिखाऊंगी आप सबको। अब इसको हम धूप में सुखा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा जलपाई सूख चुका है। अब इसको हम अचार के लिए रेडी कर लेंगे। एक बाउल में इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे। आलू चटनी की तरह कर लेंगे। तभी क्या होता है, इस अचार में तेल कम जाता है। तेल कम होने से हो जाता है इसमें, नहीं तो जलपाई अचार बहुत ज़्यादा तेल देना पड़ता है। मैं ऐसे बनाती हूँ। चलिए सबको ऐसे कर लेते हैं पूरा। अभी देखिए ये पूरा चटनी की तरह हो चुका है। तो ऐसे करने से क्या होगा, तेल कम जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। नहीं तो फिर जलपाई में बहुत ज़्यादा तेल देना पड़ता है, तेल में ही डुबा के रखना पड़ता है, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है। और ऐसे करने से अचार भी जल्दी हो जाता है। ये अब इसको आप अभी बना के अभी भी खा सकते हैं। ये ऐसे बनेगा। अब इसमें हम मसाला देंगे। तो यहाँ पे हमारे मसाले हैं, हल्दी, पाँचफोरन, जीरा, लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मिर्च को मैंने कूट लिया है, एकदम से पाउडर नहीं कर लिया है। ऐसे करने से थोड़ा टेस्ट ज़्यादा आता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया था, उस पर कुछ पीसेस किंग चिली का डाल दिया था। तो चलिए मिक्स करते हैं।
तो अब हम मसाले डाल देंगे। ये मिर्ची, तो पहले हमने नमक दिया था, फिर भी थोड़ा दे देंगे, कम हो जाएगा। अब ये मिक्स कर लेंगे, तेल बाद में डालेंगे। इसको आलू की तरह मिक्स करेंगे, जैसे आलू चटनी हम मिक्स करते हैं, पूरा मिक्स करना पड़ेगा। थोड़ा मिक्स करने के बाद तेल देंगे, तेल डाल के फिर मिक्स करेंगे। अब ये देखिए पूरा मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम तेल डाल देंगे। तो अभी इसमें हम तेल डाल देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे किंग चिली दिया है, तो इसको हाथ से मिक्स नहीं करेंगे, एक चम्मच से इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है, एकदम कम तेल में। यहाँ पे 2 किलो जलपाई है, इसमें मैंने तेल 250 ग्राम के आसपास ही दिया है। देखिए अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे, इस बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जलपाई का कम तेल का अचार, देखिए इसमें कहीं भी ज़्यादा तेल नहीं है। अब ये रेडी हो चुका है, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ आलू चटनी की तरह, इसमें तेल भी कम जाता है, बन भी जल्दी जाता है और ख़राब नहीं होता है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता इसमें। तो आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स।